जय माता दी। आप सभी को मेरी ओर से कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज जो है ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। आज चेतन है, कहाँ जा रहा है पता लग जाएगा आपको। तो मैंने इसको सबसे पहले सुबह उठाया गौशाला से आने के बाद में, और यहाँ पर जो है मैं इसको ब्रेकफास्ट और दूध पिला रही थी। दिया हुआ था मैंने इसको गर्म करके कि पी ले, नहीं तो फिर इसकी बस छूट जाएगी। तो अभी सुबह के 6:02 बजे है, और जल्दी जल्दी तैयार करके मैं चल पड़ी हूँ इसको यहाँ छोड़ने पास ही में। यहाँ से बस जाएगी ना, तो ये बस में जाएगा। और बैग मेरे पास एक इसके पास है, तो बस अभी आई नहीं है। थोड़ी देर हम यहाँ पे ना इंतज़ार करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको सुबह सुबह का प्यारा सा व्यू। तो फ्रेंड्स ये देखिए सुबह सुबह का खूबसूरत सा प्यारा सा व्यू। और आज जो है ना धुंध वाली और बहुत ही ख़तरनाक वाली जो औस पड़ी ना सुबह सुबह, ये काम थोड़ा ख़राब कर दी थी। और बस आएगी यहाँ से, सामने वाला जो रोड दिख रहा है ना ये वाला, यहाँ से आएगी। और पीछे है कहीं दूर, मुझे अभी ना आवाज़ सुनाई दे रही है। तो फ्रेंड्स आज 14 तारीख है, और हमारे जो चेतन है वो है बैडमिंटन का खिलाड़ी, और 14 तारीख से इनके टूर्नामेंट है। तो ये जा रहा है टूर्नामेंट के लिए। और मुझे ना सच में बड़ा अजीब लगता है जब मैं अपने बच्चों को कहीं भेजती हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है। पर ये इनकी ज़िंदगी का सवाल है, इनकी ज़िंदगी के पीछे मैं अपनी खुशियों को कुर्बान करूँगी, जहाँ तक मुझसे होगा मैं करूँगी। और ये देखिए बिल्ली आई है मेरे साथ में, तो इसके साथ खेलने लगा। चेतने बड़ी मनहूस होती है। और फ्रेंड्स आप सभी लोग भी दुआ कीजिएगा इस नन्हे से खिलाड़ी के लिए कि ये कामयाब हो और अपना, अपने देश का, अपने गाँव का नाम रोशन करे, और ऐसे ही ये टूर्नामेंट में हिस्सा लेता रहे हर साल। पिछले साल भी गया था, इस साल भी जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट कहिएगा आप सभी लोग भी इसको। और ये देखिए फ्रेंड्स बस जो है ना वो आ चुकी है, ये हमारे बॉडी के पास आई है अभी। तो यहाँ से आने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको, और इसके बाद में फिर खुश रहो मेरा बच्चा। तो अब जो है ना इसने जाना है, और मैं इसको बस यहीं तक छोड़ने आई थी। ये आ जाएगी, हट जाएगी ये वापस, नहीं हटेगी ये, चेतना आ जाती है। ये नहीं जानते यार, हट जानी है, देखो ऊपर चली गई, आवाज़ सुननी परन जानी है। अपना ध्यान रखियो ठीक है, फ़ोन करियो और टीचर के फ़ोन से फ़ोन कर लेना है ना। और ये देखिए ये पहुंच चुकी है हमारे शिमला की रानी। चेतन बोलता है ऐसे जाओ बाय। तो ये तो गया अब, और मैं जा रही हूँ अब घर को। और मैं हट गई यहाँ से वापस घर के लिए, क्योंकि आज घर पे बहुत सारा काम है। तो बस आज का दिन है, निपट जाए भगवान। तो चेतन चला गया, और यहाँ पर मैं जो है ना नहा धो करके बैठी हूँ, कपड़े पहने हैं, तैयार हो गई हूँ। और आज जो है हमारे मामा जी की बरसी है, तो आगे का जो वीडियो है वो मैंने आप लोगों के साथ में बरसी का शेयर किया है, ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए यहाँ पर जो है दोपहर का टाइम है, दोपहर भी नहीं अभी 12 बजे थे। और यहाँ पर जो है ये हवन कर रहे हैं, इसमें 5 पंडित है और बाकी जो है ना घर के सदस्य हैं। तो ये जो नीली कमीज वाला लड़का है ये भी मामा जी का है, और दूसरा ये भी मामा जी का है, और साथ में जो बैठे ना ये इनकी माता जी है यानी कि हमारी मामी जी, और साथ में पाली साइड को है वंशु और उसके पापा, और इनके साथ में है मेरी जो मामा जी है उनकी बेटी के हस्बैंड यानी हमारे जीजू, और इनके दोनों बच्चे साथ में बैठे हैं। तो ये जो है हमन दे रहे हैं यहाँ पर, और किस तरह से जो है ना पूरी विधि संपूर्ण हुई है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जाने वाले चले जाते हैं, हमेशा यादें रह जाती है। और आज के दिन जो है ना मामा जी को 1 साल हो गया पूरा हमारे परिवार से गए हुए, और आज से वो मतलब
पितरों के बीच में जो है ना उनकी गिनती स्टार्ट हो गई, तो मुझे बड़ी याद आ रही थी। और इन यादों को मैंने जो है ना अपने YouTube की गैलरी में हमेशा के लिए सेव करके रखा है। कल को जब वंशु चेतन बड़े हो जाएंगे, और अफसोस है कि चेतन जो है ना इस स्कूल में नहीं है, क्योंकि उसका जाना भी जरूरी था। खैर बंदे दूसरे में हो, भगवान करे, माता रानी करे, वहाँ से उसे सक्सेस मिले और हमारे मामा जी की आत्मा को शांति मिले। और क्या बोलूँ मैं, आगे मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। तो हमारे इस तरह से जो है ना वो पूरी जो विधि होती है वो इस तरह से पूरी की जाती है। ये 4 दिन तक बैठे रहे पंडित, और आज इनका उठने का दिन है। और इस तरह से जो है ना उनकी जो विधि थी वो समाप्त हुई। थोड़ी सी मैंने आप लोगों के साथ में भी शेयर की है। यादें हमेशा रह जाती है, जाने वाले चले जाते हैं। जो है ना शाम हो चुकी है और शाम के 6:30 का टाइम है, तो सारे काम तो निपट ही गए लगभग। तो अब जो है ना एक काम बचा है मेरे पास में, और अब क्या काम है वो काम है ये, यानी कि इसको बाहर बांधना है। इसने ना पानी नहीं पिया है, जब तक ये बाहर नहीं जाती तब तक ये पानी नहीं पीती। और पहले वहाँ पे आदमी थे, थोड़ा रस था आंगन में, तो बांधने की जगह नहीं थी। अब आदमी जा चुके तो इसको मैं बांध सकती हूँ आसानी से। और ये बछड़ो रुक जा खोलने दे बेटा, खोलने दे यार, चल। तो ये भी निकला। और यहाँ से मुझे ना गोमूत्र चाहिए था, मैंने रखा तो था यहाँ पे, पर इसमें कम ही है। किसी चीज़ के लिए चाहिए था, शुद्धिकरण होता है गौमूत्र से, आप लोगों को पता है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने यहाँ रसोई के पास में, और शाम का टाइम है, तो हमारे यहाँ शाम के टाइम ना चूल्हा सुनना नहीं रखते, आग जलाते हैं। तो मैं आग जलाने आ गई थी, और आज ना पूरा दिन थकान हो चुकी है। और अब खाना मैंने अभी नहीं खाया है, बना है अभी नहीं खाया है, और दिन को भी नहीं खाया था मैंने आज, भूख ही नहीं थी ऐसे ही। अब सब भूल जाएंगे, कौन याद रखेगा है ना मामा जी को, पर मेरे दिल में वो हमेशा रहेंगे, मेरी यादों में हमेशा रहेंगे। और ऐसे तो कोई किसी को नहीं भूलता ना, नहीं भूल पाता, पर जो बीत गया वो अतीत गया, आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई होती है। 1 साल हो गया ना मैं तड़पती रहेगी, पर मेरे मामा जी कभी सपने में भी नहीं आए। खैर जो हुआ कुछ नहीं कहूँगी ज़्यादा, बस यही कहूँगी कि जो जैसा चल रहा है ना उसको चलने दो। और देखिए बाहर ना अंधेरा हो रहा है, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी आज का जो मेरा ब्लॉग था। फिर मिलूँगी और अब कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी। बाय बाय।